गुड मॉर्निंग जय गुरु जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अपने घर पे सब ठीक होंगे। सो गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज बहुत दिनों के बाद ही व्लॉग आ रहा है, आफ्टर 15 to 20 days के बाद ही व्लॉग शूट हो रहा है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी बीच में। सबसे पहले तो एग्जीबिशन थी मेरी, तो एग्जीबिशन बहुत अच्छी हुई थी, उसके चक्कर में मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। उसकी इतनी सारी तैयारी करनी थी, तो होपफुली मतलब मुझे ये था कि एग्जीबिशन अच्छे से चल जाए फिर व्लॉग करेंगे। 3-4 दिन का गैप तब हो गया था। देन एग्जीबिशन के बाद मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने 2-3 दिन व्लॉग तो बनाया था, बट उसके बाद हिम्मत नहीं होती व्लॉग बनाने की, तो तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो यस, उसके तब व्लॉग नहीं बना पाई थी, वीकनेस आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो आई एम मच 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 बेटर नाउ। और उसके बाद ही जब तबीयत ठीक थी उसी टाइम पे कुछ चैनल में भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो जिसके वजह से मैं फिर से व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। तो सारी चीज़ें एक साथ हो गई थी, तो इतना टाइम हो गया था कोई व्लॉग नहीं आया था। इनफैक्ट मेरा जो इंस्टाग्राम पे भी मेरा अंकिता किटोर ब्रांड है, जिससे जो मेरा पेज है वहाँ पर भी काम नहीं हो पाया था इसी चक्कर में। तो गाइज, आई एम बेटर नाउ, जैसे ही मैंने आपको बताया। तो बस अब व्लॉग शुरू हो चुका है एंड आई होप कि अभी न्यू बिगनिंग कर रही हूँ, एक दोबारा से न्यू स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप अपना प्यार वैसे ही मुझे देंगे जैसे देते थे, इनफैक्ट ज़्यादा देंगे। तो गाइज, मेरे व्लॉग को जितना हो सके उतना शेयर करना है। एंड गाइज, बस विवान स्कूल जा चुका है, अभी वो आ जाएगा थोड़ी देर में। मम्मी से भी अभी मिलवाऊंगी, प्रिंस से ही मिलवाऊंगी। सो गाइज, आइए करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। सो गाइज, बस अभी हो गया है विवान का टाइम, उसको मैं लेने जा रही हूँ प्रिंस के साथ। सो मिलवाती हूँ आपको प्रिंस आफ्टर सो मेनी डेज। हेलो, बहुत दिनों बाद मुबारक हो। कितनी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई थी ना, बट अब सॉर्ट है, तो रेगुलर व्लॉग आएंगे, है ना। और बढ़िया 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 एक्चुअली में। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बारिश आ रही, तभी हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं विवान को लेने के लिए। घर से बिल्कुल जरा सा डिस्टेंस है, बट ये गीले ना हो जाए इसलिए विवान को सरप्राइज भी देंगे कि आज हम दोनों इकट्ठे उसको लेने आए। प्रिंस अभी खाना खाने के बाद ना, पहले विवान को लेते हैं फिर खाना खाएंगे, उसके बाद हमने जाना है मार्केट। मार्केट, हाँ, 15 अगस्त की शॉपिंग करने। नहीं नहीं, विवान को कल पहन के जाना है कुर्ता पजामा व्हाइट कलर का, तो उसमें व्हाइट नहीं है, ब्लैक दिया है। 15 अगस्त की शॉपिंग ही हो गई। हाँ, काइंड ऑफ उसके स्कूल के लिए ना कह रहा था काइट लेके दो, मैंने कहा भाई बारिश देख ले, बारिश ही नहीं रुकेगी यार। उसका पता है सुबह क्या करके गया है, वो पूरा ना वेदर चेक करके गया है गूगल से कि बारिश का है या नहीं है, तो वो तो बहुत एक्साइटेड है। सही है, एस मतलब जैसे आप होते हो ना एक्साइटेड, वैसे ही है। सो अभी बस फिर चलेंगे, उसका सामान लेकर आएंगे। इसको ना वो वाली प्लास्टिक वाली पतंग ले देंगे, है ना। हाँ, वो आपको पता यार, उड़ाता तो यार है नहीं, उसको आती नहीं है, बट ये लेके तो देनी है ना। आप ही ले आना प्रिंस, आप ही ले आना उसको लेके, उड़ा के दे दियो ना उसे, मुझे भी नहीं आती, आप ही ले आना। पता क्या है, ये सिर्फ उड़ना आता है ना। यस, नहीं मैंने बीच में पर कट गए थे फिर लग गए। उड़ जा, उड़ जाऊं, वैसे मौसम तो अच्छा ही हो रहा है, उड़ने वाला है ना। हाँ, उड़ जा उड़ जा। तो प्रिंस आप इसके लिए काइट ले आना, इसको मत लेके जाना, इसको लेके जाओगे ना तो ये ले दो वो ले दो ऐसे कर दो वैसे कर दो। चल, ये लेगा तो क्या हो गया। ठीक है, ले जाओ फिर। चलो बस विवान आते हैं ना, फिर विवान से मिलवाते हैं। तो गाइस देखो, इतना ज्यादा जाम है वहाँ सामने वाली रोड पे, पूरा ही जाम है। विवान बेचारा, विवान आगे सुभाष नगर तक चला गया, उसके बाद ही वहाँ से घूम के आया। तो हम लोग भी इसको रोड पे लेने आ गए, क्योंकि लोकेशन में विमान दिखा रहा था कि पता नहीं बस कितनी आगे चली गई है और पता नहीं कहाँ से आ रही है, तो फिर हम यहीं पे आ गए। ये तो नहीं लगवाया सारा जाम यार, ये देखना सारी जाम लगना सारी, ये सावन चल रहा है वैसे ही, है ना। बारिश, अरे बारिश की वजह से सारी ना सारी स्कूल की बसेस जो है ना, वो देखो कितनी स्टॉक है, पूरा पूरा जाम है वहाँ तक। मैं कह रहा हूँ जाम लगना नहीं चाहिए ना, क्यों सावन चल रहा है ना, तो सावन में भी जाम लगते है क्या। अच्छा, हाय तो बोल दो सबको, आफ्टर सो लॉन्ग, हाउ वाज योर डे? गुड गुड। चलो अभी दादी से मिलवाते हैं, ठीक है। मम्मी कह रही थी काइट नहीं लेके दूंगी। नहीं है, मम्मी कह रही थी काइट नहीं लेके दूंगी। वेयर इज योर बैच, कहाँ है? मॉनिटर चेंज। चलो ठीक है, मॉनिटर चेंज। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। क्या मॉनिटर हट गया ना, एक फायदा हो गया मेरा। क्या? कि अब भागो चाहे ना भागो, बैच गिरेगा ही नहीं इससे, इससे ना बैच नहीं संभाला जा रहा, फिर से बैच गिर के आ जाता था। चलो बस अभी चलते हैं घर, फिर दादी से मिलेंगे, ठीक है विवान। सो गाइस, घर आए हैं। पहले जब घर लेने गए थे विवान को, तब भी लाइट नहीं थी, तो हमें लगा शायद लाइट आ गई होगी, पर अभी घर आए हैं तो लाइट नहीं आई है। थैंक गॉड, हम लोग चाबी लेके गए थे, नहीं तो फिर मम्मी को नीचे आना पड़ता गेट खोलने के लिए।
स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और ये था विवान और प्रिंस सबसे आगे है। प्रिंस हाँ बैग आपने पकड़ा हुआ प्रिंस और प्रिंस अच्छा सुबह चलते हैं ऊपर और फाइनली पहुंच गए अपनी फ्लोर पे। ये चाबी भाई ये लो खोलो। आदत नहीं है यार बिल्कुल भी, हम स्टेयर्स नहीं चढ़ते, थक गए हैं। तो घोड़े है ना चलो फाइनली घर पहुंच गए। पता नहीं लाइट बहुत तंग कर रही है यार, कब आएगी। चलो चलो चलो। तो ये रही मम्मी। मम्मी आफ्टर सो मेनी डेज हाय बोल दो अपने फ्रेंड्स को। और मम्मी तो सो गई थी है ना, गर्मी में, गर्मी का ठंडा मौसम, ठंडा मौसम, लाइट नहीं आ रही। ये तो अच्छा मम्मी हम चाबी लेके गए थे है ना। और ये देखो क्या क्या लेकर आया है। हाँ ये देख आते ही कपड़े बदल लेते सबसे पहले, उसके बाद ही कुछ करता है। ये देखो क्या कर रहा है, चाय गरम, कॉफी गरम, कुछ भी अभी अभी नहीं खाना, पहले लंच करेंगे। सो दादी से मिल लो, आप दादी से मिल चुके हो तो मिले ही नहीं, जैसे मिलते हो वैसे मिलो तो सही। ओए 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 ये ऐसे लपेट लेते मम्मी को ना, बिल्कुल ही बिछा देता है। विवान बस कर ये इसका प्यार है दादी के लिए। सो बस अभी बनाती हूँ लंच और उसके बाद हम करते हैं लंच, फिर चलेंगे मार्केट। ठीक है विवान आपका कुर्ता पजामा लेना है ठीक है, चलो। सो टाइम हो गया लंच का, लंच में बने हैं कोफ्ते और यहाँ पे मैं बनाऊंगी चपाती। सो ये सभी बनाते हैं लंच और फिर इकट्ठे बैठ के सब लोग करेंगे लंच। बस अभी हम लोग जा रहे हैं विवान के लिए कुर्ता पजामा लेने, कल उसको मॉर्निंग में स्कूल में कुर्ता पजामा पहन के जाना है। साथ ही साथ उसका कल उसको ट्राई कर लगा सैंडविच भी बनाना है, तो जो छोटा मोटा सामान लेना है उसको ले रहे हैं भी लेने। और एप्रन तो बेटा घर पे पड़ा हुआ है छोटा साइज़, अच्छा वो देख लेंगे। सो मौसम हो रहा है बहुत ही अच्छा, बारिश हो रही है और ये बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही। साथ ही साथ प्रिंस को टेंशन हो रही है कि 15 अगस्त पे बारिश होगी और हम कैसे पतंग उड़ाएंगे। विवान और प्रिंस तो बस मतलब इसी में ही लगे हुए कि यार बस बारिश ना हो। प्रिंस तो कह रहे हैं 2 दिन लगातार इतनी बारिश हो जाए कि बादलों में से पानी खत्म हो जाए, ऐसा कुछ है ना, बदल में से पानी खत्म हो जाए, मेट्रो स्टेशन तक वहां तक पहुंच जाए पानी, इतनी बारिश हो। तो बस अभी हम लेंगे व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा। विवान को मैंने अभी ट्राई करवाया था एक, मतलब एक कुर्ते का लोअर ट्राई करवाया था उसको, वो छोटा हो चुका है। तो बस अभी पूरा सेट लेते हैं और इसको मैंने ये भी बोला है कि अब ये राखी पे वो कुर्ता पजामा ही पहनेगा, वरना ना ये पड़े रहते हैं कपड़े, इसके छोटे होते और ये पहनता नहीं है। तो विवान पहनेगा ना क्या? अरे तो ये रेंट पे ले, नहीं रेंट पे नहीं लेंगे, ट्रांसपेरेंट ले दे कुछ भी। तो बस अभी चलते हैं शॉप पर और लेते हैं इसके लिए कुर्ता पजामा, फिर आगे जो करेंगे वो भी आपको अपडेट करती हूँ। सो अभी आए हैं बाटा के शोरूम में, प्रिंस के लिए स्लीपर्स लेने थे तो बस प्रिंस के स्लीपर हो गए हैं फाइनल। विवान कह रहे इसको भी लेने स्लीपर्स, तो विवान के साइज के मिले नहीं है ना विवान, हाँ आपको खुद कहीं और से ले देंगे स्लीपर्स, इसको भी मिले नहीं है। ये जब जब प्रिंस चिंतपूर्णी जाते हैं स्लीपर्स लेते हैं और अपने खराब वो छोड़ आते हैं एक्चुअली है ना, हाँ है ना प्रिंस। फ्रेंड्स आप जब जब चिंतपूर्णी जाते हो अपने स्लीपर्स छोड़ आते हो ना वहाँ पे, तो अब इस बार जाने की तैयारी हो रही है तो अब इन्होंने न्यू स्लीपर्स ले लिया। सो चले चलो। सुबह विवान का कुर्ता पजामा भी ले लिया था, कुर्ता पजामा जहाँ से लिया वहाँ इतना रश था क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे, सब लोग बस वही डिमांड में थे वाइट कुर्ता पजामा, तो वो ले लिया। अब मम्मी की डिमांड पे हम लोग अग्रवाल में आए स्पेशल माल को लेने, एंड विवान ने क्या लिया है, और साथ ही साथ हमने एक मिठाई और ली है, हमने एक चीज और ली है विच इज दिस रबड़ी रसमलाई, तो हमने ये भी पैक करवा ली, साथ ही साथ मालपुर पैक करवा ली, तो बस हमको पैक करते हैं घर चलते हैं, फिर मम्मी से मिलाते हैं और मम्मी को टेस्ट करवाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसा लगा मम्मी को टेस्ट मालपुर का। सो लेट्स वेट एंड घर चल के आपको टेस्ट करवा। सो फाइनली यहाँ मार्केट का काम तो हो गया, एक मार्केट का काम हो चुका है, अभी हमने थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स भी लेनी है जो विवान ने सुबह लेकर जानी है स्कूल में सैंडविच के लिए, तो वहाँ चलते हैं अभी। और प्रिंस अभी पता क्या हुआ, हाँ मैं आ रहा हूँ पैदल पैदल, वो रिक्शे वाले आ ही जा रहे हैं, बैटरी रिक्शे वाले
हाँ भैया कहाँ जाना है, मैंने कहा वो गाड़ी तक। और अभी से पहले क्या हुआ था, जब हम मार्केट में अभी एंटर ही नहीं किया था तो अभी बारिश बंद हो गई थी, तो एक लड़की ना छाता लेके जा रही थी, उसने छाता खोला हुआ था जा रही थी, तो प्रिंस ने उसको मुंह पे ही बोल दिया, क्या बोला आप बता दो। अरे वो ना अब मेरे साथ साथ चल रही है, उसकी छतरी खुली हुई है, छाता खुला इतना बड़ा, मैंने बोला मैडम बारिश बंद हो गई है, और उसने फटाफट से बंद कर दिया। मैंने कहा सही हो प्रिंस, आप किसी को भी एम्बेरस फील करवा दो। नहीं एम्बेरस क्या, अरे वो ऐसे बाहर उठा के चल रही है, दुनिया का और दूसरे भी परेशान हो रहे हैं। लड़कियों का भार कम करने के लिए प्रिंस है ना। हाँ मैं उठाऊं छतरी। एम्बैरस मींस क्या कहते हैं, नहीं क्या बोलेंगे एम्बैरस की हिंदी, बैड फील कराने के लिए। हाँ राइट ठीक है, अंग्रेज नहीं है ये कहते हैं कि मुझे इंग्लिश आती नहीं, हिंदी बोली नहीं जाती, नहीं हिंदी आती नहीं, इंग्लिश बोली नहीं जाती, मैथ्स में करता नहीं। 525 कह रहा मम्मी, 525 कितने होते हैं। हाँ 525 कितने होते हैं। हाँ तो ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं वेजिटेबल्स लेने, फिर चलते हैं जल्दी से घर, बहुत ह्यूमिडिटी है बाहर बहुत ज्यादा। सो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मम्मी के लिए देखो हम क्या क्या लेकर आए हैं, नूडल्स लेकर आए हैं, मालपुए जो मम्मी ने कहा था मुझे खाने है, क्योंकि सावन चढ़ रहा, मम्मी कह रही मैंने खाए नहीं, मंदिर में भी मम्मी जाती थी पहले, अब तो मम्मी मंदिर भी नहीं जा पा रही है मम्मी, तो इसलिए आपने कहा चल सावन होगा मालपुए तो खा लेते हैं। हाँ करा रही है, और साथ में नई चीज लाए रबड़ी रस मलाई, और ये विवान अपने लिए लेकर आए रसगुल्ले, और जो मेन काम के लिए गए थे कुर्ता पजामा वो ये रहा, पता नहीं कितनी बार ये पहनेगा, मुझे तो डाइसी लग रहा है, बट लेट्स सी क्या। और ये हाँ अभी इसकी चटनी बनेगी, ट्राई कलर सैंडविच बनाऊंगा, हाँ खाने ऑर्डर कर लेना, इतना भी अच्छा नहीं बनता, इतना भी अच्छा नहीं बनता विवान आपका। सो बस उसके बाद अभी मम्मी इस पे डाल रही है चटनी, ये खाते हैं देन करेंगे डिनर, अगर मन करेगा तो, नहीं करेगा तो फिर बस। और पापा को भी हमने भोग लगा दिया है मम्मी, और भगवान जी को भी है, क्या कह रहे हो पापा, शौक से खाते थे ना मालपुड़े, हाँ इसलिए मम्मी ने कहा चल आज मालपुड़े खिला दो। मालपुए होते हैं मालपुड़े होते हैं, मालपुए अच्छा, बट मम्मी कह रही है कि ये तुम चाशनी वाले ले आए, चाशनी वाले नहीं होते, तो कमेंट में ना बताना जरूर, ये चाशनी वाले होते हैं बिना चाशनी के होते हैं, तो हमें तो, मेरे को तो देखो पता नहीं है, बाकी रेडीमेड मंगवाए हैं तो चाशनी वाले ही होंगे। ये तो घर में क्या होता है, घर में तो उसी में मीठा डाल देते हैं, तल देते हैं, मीठा पकौड़ा लो, मीठा पकौड़ा, हाँ हाँ सही बात, चलो अभी यही एंजॉय करते हैं। मम्मी कैसे लगे हैं आपको मालपुए, बहुत अच्छे, वही टेस्ट है जो आप चाह रहे थे, टेस्ट अलग है पर अच्छे, मेरे को तो इसका टेस्ट में पता है कौन से वाले पसंद है, नानी बनाती थी ना एकदम सख्त सख्त पत्थर जैसे, पत्थर जैसे मम्मी वो वाले पसंद, ये पता है क्या मेरे को ना ऐसा लगा जैसे गुलाब जामुन नहीं होता, ये वैसा सा इसका टेस्ट। नानी पता है क्या करती थी, वो आटे में ही ना चीनी वीनी डाल देती थी और मीठा हो जाता था, पकौड़े तल दिए, ले बेटा मालपुड़े खा ले, तल के ना ऐसे कटोरी से दबा देती थी, हाँ शेप देने के लिए, नहीं रस तेल का, अच्छा। सो बस डिनर करके हो गए हैं फ्री, एंड विवान भी सो चुके क्योंकि उसको सुबह स्कूल जाना है, उसको लाइक कल बहुत सारी एक्टिविटीज़ है उसको स्कूल में, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है, एंड फिर बाद में मुझे बोलते हैं कि मम्मी रहने दो मुझे स्कूल नहीं जाना, तो आई सेड नहीं स्कूल से जाना पड़ेगा, बाहर में भी बारिश हो रही थी, तो बस मैंने कहा विवान सो जा कोई बात नहीं, सुबह स्कूल जाना है दो दिन की बात है, उसके बाद तो फिर देखो लाइक यू नो 15th August है छुट्टी है, फिर एक दिन जाना है, फिर तीन छुट्टी है, तो ये छुट्टियाँ तो आएंगी अब। सो गाइस बस मैं चाहती हूँ कि मैं ब्लॉग एंड करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितना हो सकता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड जितना प्यार हो सकता है उतना प्यार दो, एंड जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट करो, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ पर भी जाके मेरे पेज को फॉलो कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइस, जय गुरु जी, गुड नाइट।